नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GDS ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवकों के लिए पहली बार एक मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा, जिसकी जो है घोषणा तो कर दी है जब स्ट्राइक के बाद मीटिंग हुई थी। लेकिन किस तरह से दिया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस में कितने रुपये का जो है पॉलिसी दिया जाएगा, ये सब अभी तक नहीं बताया। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब मिलने वाला है ग्रामीण डाक सेवकों को काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस, जो उसमें मेडिकल उनके लिए ही नहीं, सिर्फ ग्रामीण डाक सेवक ही नहीं उनके परिवार के लिए भी कवर करेंगे। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस से मिलने वाला है और काफ़ी सारे स्कीम्स इसके अंडर आती है, जिसमें से मेडिकल स्कीम को अपनाया जाएगा ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। तो दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, क्योंकि दोस्तों GDS जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंडर आता है, लेकिन उससे क्योंकि सिविल सर्वेंट के दर्जे से बाहर रखा जाता है, इसलिए उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम है CGHS वो नहीं मिल पाता है, वो वाला स्कीम उनके लिए लागू नहीं हो पता है, जिसके वजह से काफ़ी नाइंसाफ़ी होती थी GDS के साथ। तो दोस्तों, इस बार जो है ग्रामीण डाक सेवकों को ये दिया जाएगा, और ये जो ओरिएंटल्स काफ़ी नामी दामी है, ये ओरिएंटल जो स्कीम है, तो इस ओरिएंटल्स इंश्योरेंस स्कीम में काफ़ी सारे योजनाएं हैं, जिसमें से मेडिकल इंश्योरेंस ग्रामीण डाक सेवकों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है घोषणा कर दी गई है और इसकी जाँच चल रही है, जैसे ही ये पूरा बन के आता है रिपोर्ट तो ये लागू हो जाएगा ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। और ये जो है सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के साथ ये एक तीसरा स्कीम है जो ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जुड़ने जा रहा है, जो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये भरपाई कर पाएगा जो GDS की मांग है सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि ऐसा देखने में लग रहा है कि ये जो है ये सारी मांगे देकर ग्रामीण डाक सेवकों को डिपार्टमेंट बुलाना चाहती है, कि उनकी जो प्रथम प्रमुख मांगे है वो है ग्रामीण डाक सेवक को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिलाना। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें नई चीज़ें देकर कहीं गुमराह तो नहीं करिए डिपार्टमेंट, और अगर कुछ ना मिलने से अच्छा है थोड़ा कुछ मिल जाना, अगर इस कहावत में हम जाए तो ये भी सही है। ये जो मांगे, जो ये छोटी सी मांग जो पूरी की है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन और कई सारी मांगे हैं जिसके लिए GDS को लड़ना पड़ेगा। और जो स्ट्राइक है, इस तरह से अगर वापस होती रही तो GDS यूनियन कमज़ोर दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि 80,000 से भी ज़्यादा ग्रामीण डाक सेवक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और अपने दोस्तों तक, अपने भाई GDS तक भी पहुँचाइए ये ग्रामीण डाक सेवक ऑफिशियल जो चैनल है GDS का। धन्यवाद।